स्वागत है आज की एक और व्लॉग में। एंड गाइस आज हमारा सेकंड लास्ट डे है आई थिंक दुबई में। एंड मेरे दुबई के सारे व्लॉग हमेशा पता नहीं क्यों बाथरूम में स्टार्ट होते थे। ये भी मैं बाथरूम में खड़ा हूँ और व्लॉग की शुरुआत हमेशा बाथरूम में। आप लोग बोलते हो कि यार ये बंदा बाथरूम में रहता है, बाथरूम में सोता है, पता नहीं क्या करता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज हम लोग क्रूज डिनर पे जाने वाले हैं। एंड मैं इसके पहले कभी क्रूज डिनर पे गया हुआ नहीं हूँ, सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई थॉट कि मैं ये आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो फिलहाल रेडी हो चुका हूँ मैं। व्हाइट टी शर्ट पहनी है, नीचे ब्लू जींस पहनी है, ओरिजिनल दिखा सकता मैं। शूज मारेंगे मस्त व्हाइट वाले एंड बाहर जाएंगे, थोड़ा बहुत चिल करते, मजे करते। एंड क्रूज का जो आनंद होता है ना गाइस, मतलब आप समझो कैनाल्स है या पता नहीं पानी है नीचे, ऊपर से मस्त क्रूज जा रही है और बिल्डिंग्स देखने मिल रही है, बहुत सारी लाइटिंग्स लगी हुई है। क्रूज आई थिंक मैंने सुना क्रूज में ना कुछ शोज भी होते हैं, कुछ मैजिक शोज या फिर कुछ और शोज भी होते रहते हैं। सो ये पूरा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, इसलिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूं। एंड देखते हैं कितना मजा आएगा। एनीवेज बिना किसी तरीके के फटाफट शूज पहनते हैं, बाहर निकलते हैं, मजे करते हैं, चिल करते हैं एंड एंजॉय करते हैं आज रात के डिनर को एंड क्रूज पार्टी को। ओके सो गाइस सबके सब अभी ये फटाफट लाइक, ऐसा नहीं होता है ऐसा होता है, तो गाइस फटाफट लाइक बटन दबा दो और मिलते हैं क्रूज पे। चलो फटाफट जल्दी से। सो गाइस मैंने बहुत दिन से आपको किसी भी व्लॉग में दिखा नहीं था कि मैं जिस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ फिलहाल, इस प्रॉपर्टी का व्यू कैसा है क्या है। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा मेरे इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे तो आपको पता होगा। सो एंजॉय द व्यू गाइस। दुबई हार्बर में एंड यहाँ पे लाइन से बोट खड़ी है। मैं आपको एक लोकेशन दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। एंड ये देखो मेरे पीछे का नजारा, मैं ये भी आपको दिखा दूंगा। सो राइट नाउ अवर क्रूज नेम इज अलवसल डाओ। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो भी है जैसा भी है। लेट्स सी, देखते हैं, मजा आने वाला है। इतनी ज्यादा हवा चल रही है, आई थिंक मेरी आवाज ब्रेक हो रही होगी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अपडेट था, हम पहुंच चुके हैं दुबई हार्बर पे एंड लेट्स सी अभी आधे घंटे में शिप निकल जाएगी और हमारे पास अभी सिर्फ 25 मिनट्स बचे हुए हैं और बोर्डिंग देखा से स्टार्ट हो गई, तो हमें पता नहीं एक्जैक्टली कि कहां पर हमारी जो क्रूज है वो पार्क्ड है। राइट, अब वेबसाइट पे कुछ और लिखा हुआ है, हम ढूंढ कुछ और चीज रहे हैं, अगर ये चीज मिस हो गई ना तो लग जाएंगे हमारे। एनीवेज मैं आगे निकल चुका हूँ, बात करते करते मुझे भागना पड़ेगा। और चीचा क्या हाल है? सो गाइस दिस इज अवर बोट, अलवसल नाम है इनका। ये चीचा यहाँ पे खड़े हैं सब बताने के लिए। यही तो लिखा अलवसल डाओ। सो वी आर गोइंग इनटू दिस शिप। सो यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हैं, एक ब्लू वाला वहाँ सामने खड़ा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे एंटर करते से ही मुझे ऐसा फील हुआ कि हम किसी की शादी में आ गए। यहाँ से आपको बफे सिस्टम है, यहाँ से आपको खाना उठाना है। और ये बैंड बाजा बारात लेके बैठा है एक बंदा यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से कांच लगे हुए हैं यहाँ पे एंड ये इस तरीके से आपको व्यू मिलेगा, बट आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाओगे यार। आई मीन समझ जाओ, हवा नहीं चल रही है, वो ठंडी ब्रीज नहीं आ रही है और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक खाने की स्मेल आ रही है, खाने की महक आ रही हुई है। तो वो एक सीन है जो कि मैं नीचे, ये वहाँ लौंडा बालमैन पहना हुआ एकदम चमक रहा है, भाग गया। ये कुछ व्यू है पीछे का, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको डिनर सर्व होगा, ब्रेकफास्ट सॉरी डिनर सर्व होगा एंड थोड़े स्नैक्स सर्व हो गए। एंड ओके सो ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रही बोट। सो हम लोग ये बोट में गए, हमारे सामने एक और बोट जा रही है, देखो छोटा बच्चा। सो इस तरीके की कुछ बोट्स होती है जो आपको सैर पे लेके जाती हैं। एंड ये रही हमारी बोट, वो रही उनकी बोट और इस तरह कुछ नज़ारा होता है जो आप इंजॉय कर सकते हो आपके स्नैक्स खाते हुए, ब्रेकफास्ट का दिमाग बार बार आ रहा है, स्नैक्स खाते हुए, डिनर करते हुए, सारी चीज़ें करते हुए। एंड या दैट्स इट, ये एक और बोट जा रही है वहाँ पे, वो एक बंदरिया वीडियो निकाल रही है। वल गाने प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। वो एक छोटी बोट वहां पे, अगर ये 2 सेकंड में नहीं हटी तो उसको डुबा देंगे ठोक के। लगता है सुन लिया इन लोगों ने हमारी, भाग रहे हैं लेफ्ट।
अच्छा इनका राउंड खत्म हो गया ना कंप्लीट। यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है और लोग इतना भर भर के ले रहे हैं, लोग इतना भर भर के प्लेट में ले रहे जैसे कि जिंदगी में पहली बार शादी देखी कोई गांव गांव में या कहीं जगह पे लंगर पे बैठ गए सबके सब लाइन से। इतनी सी प्लेट है ठीक है, इतनी मतलब मेरे हाथ तो बड़ा है, इतनी सी प्लेट में मतलब मैंने पता कितने लिए, 1-2-3 मैंने 4 चीजें ली है बस। अगर मैं आपको प्लेट दिखाऊंगा ना यहाँ पे लोगों की, आप बोलोगे एक प्लेट के अंदर कम से कम इन लोगों ने 40 चीजें डाल के रखी है, इतनी जगह पे एक, इतनी जगह पे एक, इतनी ऐसा करते करते 40 चीजें भर दी है पूरी प्लेट में। और गाइस हमने खाना ले लिया, यहाँ पे दाल ली है यश ने, एक स्वीट है, ये राइस है, ये नूडल्स है। यश अपने ऑनेस्ट ओपिनियन बता कैसा लगा, एकदम ऑनेस्ट। टेस्टलेस है पक्का। खा लिया तो तेरा टेस्ट बड़ खराब है। क्या बात कर, देखो मैंने अभी तक दिल कह रहा हूँ, मैंने अभी तक के दाल ट्राई नहीं किया, मैंने नूडल्स ट्राई किए थे, मैंने सिर्फ एक बाइट खाया, सिर्फ एक बाइट, बाकी मैंने सबका सब छोड़ दिया यहाँ पे। वैसे मैं कभी भी फूड की ये नहीं करता, मैं कुछ नहीं बोलता फूड को, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई एकदम टेस्टलेस है लिटरली। तो जो भी लोग गाइस यहाँ पे आ रहे हैं दोहा क्रूज में एंड दुबई हार्बर में, गलती से भी अलवसल शिप नाम है, अलवसल क्या डावड़ा क्या है ये डोवा, हाँ अलवसल कुछ तो भी है, बिल्कुल इसको ट्राई मत करना बिल्कुल भी। जब आप सोच रहे होंगे कि यार ये आधी लाइट क्यों जल रही है, तो सीन ऐसा होना है कि गाइस आधे इसकी लाइट चली गई है और आधी इसकी है, तो अभी यहाँ थोड़ा लोड शेडिंग हो रहा है, तो अब वो कह रहे हैं कि यार अब एक काम करो, अब देखो आधी लाइट तो चली गई है, इतने में मैनेज कर लो, तो ऐसा ही सीन है बस और कुछ नहीं है। लगा इस हमारा ये जो ट्रिप का छोटा सा क्रूज का कंप्लीट हो चुका है, एंड अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो हमें बड़ी हंसी आ रही है एक्सपीरियंस देते हुए, क्योंकि हमने चूज किया था अल वसल समथिंग कुछ, अल वसल था शिप, पहली बात तो ठीक थी, मतलब थोड़ा सा लाइक वुडन शिप जो होती है वो थोड़ी एंटिक टाइप की तो अच्छी लगती है, वो अच्छी थी कोई बात नहीं। हम ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद खाना वाना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और खाना तो भाई साहब ऐसा खाना था कि मतलब कभी ट्राई मत करना जिंदगी, ये मेरा बोलने का मतलब था बस, ऐसा खाना था मतलब। यूजुअली मैं कभी ना लिटरली मैं जिंदगी कभी मैंने खाने को कभी कुछ नहीं बोलता हूँ कि लेकिन ये इसे नमक ज्यादा है या ये है वो है, मतलब मेरा ऐसा कि अगर नमक कम भी तो मैं ऊपर डालता नहीं, बिकॉज मुझे पता है पापा ने ऐसा कुछ, तो पहले तुम्हारे देश 500-300 दिरहम का होगा तुम्हारा पूरा, ये चीज यहाँ बिल्कुल मत करना, कहीं और चले जाना, उसके रिव्यूज पढ़ लेना, उससे बाहर ट्राई करना, लेकिन ये अलवसल जो भी था इसको ट्राई बिल्कुल मत करना, सब वेस्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ देखो सब कुछ सही है, पूरा सीन सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें दिक्कत है जो मैंने बोली बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो, एंजॉय करो, बाय। Let me see you go.